मैं लाया हूँ सेट वाले पांच ऐसा फ्रेज वर्ड्स जिसे आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सभी फ्रेज वर्ड्स हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इन सभी फ्रेज वर्ड्स को सीखें और जानें कि किस कंडीशन में आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। सेट अपार्ट का मतलब होता है दूसरों से अलग करना या दूसरों से अलग रखना। आपकी टीचिंग आपको दूसरों से अलग रखती है या आपकी टीचिंग आपको दूसरों से अलग करती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर टीचिंग सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स, यानी आपकी टीचिंग आपको दूसरों से अलग रखती है, उसका अंदाज उसे दूसरों से अलग रखता है या अलग करता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज स्टाइल सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम अदर्स, यानी उसका स्टाइल उसे दूसरों से अलग करता है या दूसरों से अलग रखता है। आपके खाना पकाने का तरीका आपको दूसरों से अलग रखता है या आपको दूसरों से अलग करता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर कुकिंग सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स, यानी आपकी कुकिंग आपको दूसरों से अलग करती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको सेट अपार्ट का मतलब समझ में आया कि जब आपको कहना हो किसी इंसान से अलग रखना या दूर रखना तो इस केस में आप सेट अपार्ट का यूज करेंगे। सेट डाउन का मतलब होता है लिख लेना। जैसे अगर आपको कहना हो कि लिख लो जो मैं कहता हूँ तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सेट डाउन व्हाट आई से। अगर आपको कहना हो कि यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख दो तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सेट डाउन योर मोबाइल नंबर हियर, यहाँ अपना एड्रेस लिखो, सेट डाउन योर एड्रेस हियर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि सेट डाउन का मतलब होता है लिख लेना या लिख देना। सेट इन का मतलब होता है शुरू होना। जैसे अगर आपको कहना हो कि ठंडी हर साल नवंबर में शुरू होती है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द विंटर सीजन सेट्स इन नवंबर एवरी ईयर, यानी ठंडी का मौसम हर साल नवंबर में शुरू होती है, गर्मी का मौसम हर साल अप्रैल में शुरू होती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द समर सीजन सेट्स इन अप्रैल एवरी ईयर, यानी हर साल अप्रैल में गर्मी का मौसम शुरू होती है। सेट असाइड का मतलब होता है रद्द कर देना या कैंसिल कर देना। जैसे अगर आपको कहना हो उसका अपील रद्द कर दिया गया या ठुकरा दिया गया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज अपील वॉज सेट असाइड, यानी उसका अपील ठुकरा दिया गया। अगर आपको कहना हो कि इस सौदे को रद्द कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस डील वॉज सेट असाइड, यानी इस डील को रद्द कर दिया गया या हटा दिया गया। सेटअप का मतलब होता है बनाना या अचीव करना, यानी किसी चीज को प्राप्त करना। जैसे अगर आपको कहना हो कि सचिन तेंदुलकर बहुत से रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं या बनाए हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर हैज सेट अप मेनी रिकॉर्ड्स। अगर आपको कहना हो कि मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं या अचीव किए हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव सेट अप मेनी रिकॉर्ड्स। अगर आपको कहना हो कि डेविड वार्नर ने आईपीएल में कई रिकॉर्ड बनाए हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डेविड वार्नर हैज सेट अप मेनी रिकॉर्ड्स इन आईपीएल। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सभी वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब आप मेरे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।